अरे सम्राट सिंह राठौड़, हिंदी में द किंग ऑफ झांसी। क्या हुआ तुम्हारे प्रूफ का? अरे तुम तो कह रहे थे निकल पड़ा है तुम्हारा सबूत। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब क्रिएट किया जा रहा है, मतलब सबूत तैयार किया जा रहा है? इंस्पेक्टर साहब, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वो कहते हैं ना, सच को साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती। बस वही बात है, सही कहते हो। सच्चाई पे बड़े मुहावरे याद है तुम्हें। दिल से सच्चा आदमी हो ना इंस्पेक्टर साहब, इसलिए ये सब फालतू बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से ये यहाँ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले जा रहे हैं। और ये क्या किसी को प्रूफ देंगे और क्या आपको प्रूफ देंगे, जबकि हम आपके सामने प्रूफ यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्योंकि हमें सामने से खुद गोली मारी है इन्होंने। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को। फिर किसने देखा मुझे आपको गोली मारते हुए? कोई है, कोई प्रूफ है? बेटा दे आगे, मां आगे। जी लो बेटा, जो मंगाया था सब लेकर आ गए। ये देखिए भाई, डॉक्टर साहब प्रूफ चाहिए ना आपको? ये देखिए, सारे प्रूफ देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारे बोर्डिंग पासेस हैं, ये टिकट्स हैं, ये होटल स्टे है जहाँ पे मैं रह रहा था मुंबई में, सब देख लीजिए भाई, सारा प्रूफ है। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हो गया इंस्पेक्टर साहब, तसल्ली हो गई आपको? सर आप हमारी बात मानिए, ये सब इनकी चाल है। हम जानते हैं कि ये कहीं नहीं गए थे, इन्होंने सामने से हम पर गोली चलाई है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। उर्मी हद मत पार करो यार, प्लीज यार, फॉर गॉड सेक। प्रूफ है नहीं, बस ऐसी बस ब्लेम कर रही है मुझे। कहाँ है हमारे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो? अब कहाँ चाहती हो? कितना बदला लेना चाहती हो? हा? दरोगा साहब, जिस दिन से ये घटना हुई है ना, हमारे बेटे से बदला लेने पर तुली हुई है। जाने काका कह रही है, चैन ही नहीं मिल रहा है इसको। पति और घर को तो छोड़ ही चुकी है, अब हमारे इकलौते पोते को भी ना हमसे दूर करने पर तुली हुई है। हमारे बेटे को जेल भिजवाना चाहती है, पूरे घर को बर्बाद करना चाहती है। बस कीजिए माँ जी, थोड़ा तो डरिए आप भगवान से। चुप करो, भगवान से तुम डरो। भाई से बढ़कर पति के दोस्त को ही अपने प्यार के चुंगल में फंसा लिया है इसने। इसी से पता चल रहा है कि कितनी चरित्रवान है जी। फालतू की बातें मत करो हमसे, समझे तुम? So sorry to say this, आंटी, but ऐसी गिरी हुई बातें करके आप अपनी इज्जत ना गवाएं तो बेहतर रहेगा। देखो जी भी बोले, आप जैसे शरीफ लोगों पे ऐसी बेअदबी शोभा नहीं देती। आंटी आपका बेटा जो है सो है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसी घटिया बातें क्यों करें। देखिए ईशान जी, धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, पर पुत्र प्रेम में उनकी मति मारी गई। अब ये भी तो माँ है, अपने दुष्ट बेटे के कर्मों को छुपाने के लिए कुछ तो नाटक करेगी ना। हो गया आपका महाभारत का पाठ इंस्पेक्टर साहब। देखिए जो आपको चाहिए था मैंने सब ला के दे दिया है, मैं चलता बोलूँ। अभी भी इनको कुछ शक सुबह है तो मांगिए प्रूफ, मांगिए प्रूफ पेश। अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हो ना, कानून को मजाक बना रखा है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। एक जमाने में बहुत अजीज दोस्ती थी हमारी, इसीलिए एक नसीहत देता हूं तुम्हें, कानून से खेलना बंद करो वरना मुंह के बल गिरोगे बॉस। जिस कानून को तुमने खिलौना बना के रखा है ना, उसको समझने के लिए, उसका विशेषज्ञ बनने के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, इसीलिए तजुर्बे से कह रहा हूं, तुम्हारी ये गिरी हुई चालबाजी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, समझे? ईशान जी ये बात इसको समझ में नहीं आएगी, ये सचमुच बहुत ही स्याणा है। इसको ये नहीं मालूम कि इसके जैसे 50 स्याणों को हम रोज ठीक करते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। अब आज तो आप तैयारी से आए, जाने दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर साहब आप ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं? हमने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, इन्होंने हम पर गोली चलाई है। आप देखिए मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर कानूनन हम आज इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। पर आप ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? उर्मी नहीं, अभी नहीं। पर आप चिंता मत कीजिए, हम इस बात की सच्चाई तक जाएंगे और पूरी तह तक जाएंगे। Can I go now? जा। अरे सुनो,
अपने आप को बचाने के लिए अगला कदम सोचो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, सच को सौ झूठ नहीं छिपा पाते हैं, समझे? कर लीजिए आप कोशिश। दोनों के दोनों बच गए, धोखेबाज कहीं के। अब तो उन्हें छुआ भी तो एक पुलिस वाला दबोच लेगा। कित बन के बैठ गया मेरे ऊपर। बेटा, ये लो तुम्हारी कॉफी। अब बेटा, हमने कितने अच्छे से नाटक किया ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तुमने भी सोचा नहीं होगा कि हम इतने अच्छे से कर लेंगे, है ना? पता था मुझे माते जान लगा देंगे आप तमाशा करने में भाई। माँ किसकी है भाई? तो और सबसे बड़ी बात, कंगन का लालच जो था आपके मन में, तो मैंने आपसे बोला था कि सोने के कंगन बनवाऊंगा आपके लिए, तो काम तो होना ही था भाई। अरे सोने के लिए तो जान हाजिर है आपकी, है कि नहीं? ऐसा क्या कह रहे हो बेटा, कंगन नहीं बनवाते तो काम तुम्हें बचाते नहीं? तुम्हारे लाने तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आखिर तुम हमारे बेटे हो। अच्छा तो चलो फिर कंगन कैंसिल कर देता हूँ, सुनार को फोन कर देता हूँ, बड़ा खर्चा हो रहा है वैसे। नहीं नहीं बेटा, कैंसिल मत करो। अच्छा लगेगा जो तुम कंगन बनवा दोगे, वैसे भी ना हमारे पास सब नकली हैं। देखो देखो मरी कैसे जा रही है, देखो जरा, बनवा दूंगा कंगन, मत लो टेंशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तुम उन दोनों को जान से मारने चले गए? कौन सी बात हो गई जो तुम उनके खून के प्यासे हो गए? अरे बेटा, अच्छा हुआ जो वो बच गए, अगर मर जाते ना तो तुम सीधा जेल जाते और जाने कितने सालों तक चक्की पीसते। चुप करिए, गिर की चक्की वैसी चले जाता मैं जेल? क्या पागल समझ लिया माता जी? मैं पूरी प्लानिंग पूरे इंतजाम के साथ किया था मैंने जो किया था, ठीक है ना? किस्मत अच्छी थी दोनों की, बच गए साले। अरे बेटा, एक कानून के हाथ जो होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं, बच नहीं पाते। अरे फिल्मी डायलॉग अपने पास रखिए आप, रट के आ गए सारे डायलॉग, चुप करिए। अच्छा बेटा, सच सच बताओ हमें, असल में हुआ कहा था? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। अबे हमें बताओ, किस मुंह से बताऊं मैम? प्रेग्नेंट है वो, जो यस ईशान के बच्चे की मां बनने वाली है वो, तो के पास औरत। हे भगवान, जेका कह रहा हूँ, उर्मी इतना गिर गई? जी हाँ, पर ना क्या पागल समझ लिया मुझे, जो दिन दहाड़े गोली चला दूंगा उसमें मारने के लिए, तो उतारू हो जाऊंगा उसको। कौन मर्द बर्दाश्त करेगा मुझे बताइए, जिसकी बीवी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली, कौन बर्दाश्त करेगा मुझे बताइए? कोई नहीं, सही कह रहे हो तुम एकदम, ये तो बहुत बड़ी वाली निकली। हम तुमसे कहते नहीं थे कि इसके पेट में दांत है? दांत, शक्ल से सीधी सादी लगती है लेकिन कारस्तानी सब जानती है। देखो तुमको भी बुद्धू बना दे, है? तुम भी ना एकदम पागल हो। उसको काहे मारने चले गए? मारना होता तो उसके कोक के बच्चे को मारते, आधी तो वो वैसे ही मर जाती, कानून भी कुछ नहीं कर पाता। कैसे कि कोक के बच्चे को मारने पे ना तो कंप्लेन होती है ना कोई सजा होती है, ऐसे बच्चे तो पेट में कोक में पनपते रहते, मरते रहते, समझा रहे हम तुमको? हाँ समझ लो। बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ, वो भी इस हालत में। ओह गॉड, अमृत कहीं का नहीं छोड़ा आपने मुझे। आपके भरोसे मैंने अपने बच्चे को पालने की हिम्मत दिखाई, आप पर विश्वास किया और आपने आ, 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 आ,
अदिति दीदी रो क्यों रही है? अदिति दीदी अब रो क्यों रही है? नहीं कुछ नहीं, आपकी आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ दीदी, ऐसे क्यों रो रही हैं आप बताइए ना। आपकी आपकी शादी टूट गई इस वजह से ना? आप क्यों चिंता कर रही हैं? आपके भैया है ना, वो आपके लिए दूसरा लड़का ले आएंगे, यानी तो कहीं और रिश्ता हो जाएगा। आपके भैया तो इतने अच्छे हैं, उनके होते हुए आप क्यों रो रही हैं? इतना सारा पैसा है उनके पास, खूब सारा दहेज देंगे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अब क्या बताऊं तुम्हें कि अगर भैया को पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने अबॉर्शन नहीं कराया और अमृत से मिलती रही हूँ, जान से मार देंगे मुझे भैया सीधा। बिल्कुल तिवारी जी, पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करके उसने ये खेल रचा है। वो तो वाकई उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि सही टाइम पे 2-3 गाड़ियां आ गई और वो गुंडे भाग गए, वरना उस दिन मेरा बचना बहुत मुश्किल था। चाहे कुछ भी कर ले, भगवान और कानून पे भरोसा है हमें, बच तो नहीं पाएंगे वो। हमें तो बस एक ही चिंता है कि वो शैतान दोबारा ऐसी हरकत ना कर दे। हमारे साथ कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेंगे वो, क्योंकि अब उनके पीछे पुलिस जो है वो इंस्पेक्टर साहब वैसे भी उनके खिलाफ है, और अब जब उनके खिलाफ कंप्लेन कर चुके हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं उन्हें। फिर भी उर्मी, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। तुम सतर्क रहो, एटलीस्ट लेट्स नॉट इनवाइट ट्रबल। इनवाइट ट्रबल? इनवाइट ट्रबल तो आप अपने लिए खुद कर रहे हैं ईशान। हमारी वजह से आप इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आपको पता है ना, सम्राट जी तो अपनी ओर से आपको मार ही चुके थे। आपकी किस्मत अच्छी थी और भगवान ने आपका साथ दिया कि आप बच गए ईशान। I'm really sorry. हमारी वजह से आप। उर्मी प्लीज, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, और मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि ये सब जो हुआ है it's because of you, it's not at all that way. नहीं ईशान, ये बात तो हमें भी परेशान कर रही है कि तुम उर्मी की मदद करना चाह रहे हो और वो तुम्हारा जीना हराम कर रहा है। ऐसे में तो सुषमा जी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't care. मुझे बस इतना पता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मगर ईशान, वो इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो तुम दोनों के रिश्ते को गलत समझ रहा है। अब क्या बताएं आप लोगों को, सम्राट जी ने घटियापन की हद तक गिरकर ये भी सोच लिया है कि हम ईशान के बच्चे की माँ बनने वाले। बेचारे ईशान पिस रहे बिना वजह। चलिए सुषमा जी, फिर मैं चलता हूँ। एंड उर्मी यू टेक केयर। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको तुम। नहीं नहीं सुषमा जी, मैं होटल में ही ठीक हूँ। होटल में कौन केयर करेगा तुम्हारी? तुम्हारी हालत भी तो ठीक नहीं है, यहीं रुको। हाँ ईशान, हम सब एक साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे भी वहाँ आपकी केयर करने वाला कोई नहीं होगा ईशान। तिवारी जी और आंटी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप हम सबके साथ यहीं रुक जाइए। ये अंकल यही रुकेंगे, सबसे
से ज्यादा मैं ही खुश होऊंगा। कहा था ना मैंने, चश्मा बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ वो रुकने देगी। बिल्कुल शौर्य साहब, वाकई हमारी सुषमा जी बहुत 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 अच्छी है। आप भी किसी रॉकस्टार से कम नहीं हो। क्यों भाई साहब, गेस्ट हाउस बनाने के बेनिफिट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना? हाँ वो देख लो तुम। हाँ, और जो नए इंजीनियर से बात कराई थी मैंने, उसे बोलो कि नया स्केच बनाया और मुझे दिखाओ फिर। और हाँ, वहां पे गेस्ट हाउस के आसपास जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी सारी डिटेल दीजिए आप उस इंजीनियर को, उसको बोलो उसके हिसाब से डिजाइन बनाएगा। हाँ, और सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ नहीं 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 कमरे वमरे वो तुम मुझ पे छोड़ दो भाई। हाँ वो मैं बताऊंगा आपको कितने कमरे बनाने हैं, कितना डिजाइन है उसका, जो जो है। हाँ वो सब मुझ पे छोड़ दो। अच्छा बेटा जी, तो ये फुलझड़ी छिपके देख रही है मुझे, लगता पसंद आ गया हूँ मैं। मेरे हाथ से आराम से जल जाएगी। नहीं नहीं मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं सेकंड हाफ के बाद आऊंगा, कुछ जरूरी काम से बाहर जाना मुझे। राधा, राधा क्या बात है सम्राट सिंह राठौड़, जादू तो तुम्हारा कमाल का है भाई, लड़कियां ऐसे ही फिदा हो जाती हैं तुम पे, पर न जाने उर्मी मैडम को क्या चाहिए। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, ऐसे लड़कों के लिए उन्हें आसानी से मिल गया ना, इसलिए कदर नहीं। अब वो बंदरिया क्या जाने इस हीरो का स्वाद। इतना स्ट्रेन करना ठीक नहीं है, अगर ऐसे करोगी तो रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। ईशान तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको कितनी बार कहा कि हमें सिखा दे पर इसने सिखाया नहीं। बेचारी बच्ची अकेली सब कुछ कर रही है। भगवान की दया से देखिए सब कुछ तैयार भी हो गया है, बस हमें जाकर डिलीवरी तो करना है। हाँ उर्मी, बट इतने सारे बॉक्सेस तुम अकेले कैसे डिलीवर करोगी? चलो एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं शान, हम चले जाएंगे, जाकर बस देना ही तो है। आई नो, बट मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। प्लीज ईशान, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। उर्मी प्लीज बहस मत करो, मैंने कहा ना मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। Now just give me 2 minutes, मैं अपना जैकेट और फोन लेके आया। ईशान को साथ लेके जाना उर्मी बेटा, कम से कम हमें ये तसल्ली रहेगी कि तुम अकेली नहीं हो। जी आंटी। उर्मी तुम चलो, मैं बाकी बॉक्सेस लेके आता हूँ। हम ये लेकर जाते हैं और तब तक लिफ्ट भी रोकते हैं। भैया हमारे साथ जो है वो अभी आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। अरे होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, आप
आपसे अगर दो मिनट रुका नहीं जा रहा था तो आप हमें बता दिए होते, हम उतर जाते। अजीब आदमी है, ना सुन रहे ना कुछ मान रहे। ईशान बेचारे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हम कहाँ चले गए। सुनिए, फोर्थ फ्लोर का बटन प्रेस कर दीजिए प्लीज़।